नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं केसी पिप्पल साहब, जो मायावती के बिल्कुल अंग संग साथ रहे हैं। उनके उनके निर्देशों पे भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं बहुजन समाज को, जो एक लंबी बागडोर उन्होंने दी है, वो है केसी पिप्पल साहब। पिप्पल साहब, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत। पिप्पल साहब, एक बात बताइए, आप भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती, उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन जो बाकी समाज है, आज इस देश का राष्ट्रपति तो दलित समाज से राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, और बनेगा तो कैसे बनेगा, वो बताएं जी। ये आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये समाज पूरे जो समाज है हमारा, उसका ये आज सवाल है, और इसका उत्तर मैं बहुत अच्छी तरीके से मतलब देना चाहूँगा। क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं चाहता कि इस देश की प्रधानमंत्री मायावती जी बने, पूरा बहुजन समाज जो पार्टी के लोग हैं वो तो चाहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इस देश के तमाम जो मजलूम लोग हैं, जो अकलियत के लोग हैं, जिनके साथ में लिंचिंग हो रहा है, जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बहन जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, उनकी पार्टी भी लड़ाई लड़ती है। उन्हें उत्तर प्रदेश की जब मुख्यमंत्री बनी थी, तब उनको कानून व्यवस्था को लोगों ने देखा, तो कानून व्यवस्था उनको देख करके तो हर कोई चाह रहा है, व्यापारी वर्ग भी चाह रहा है, ब्राह्मण वर्ग भी चाह रहा है, दलित वर्ग भी चाह रहा है, और सबको सम्मान भी दे रही है। आज वो एक तरफ तो वो लड़ाई लड़ रही है, लोग जो कह रहे हैं कि सर्वजन समाज की लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ दलित इस वजह से नाराज है कि सर्वजन समाज की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सर्वजन इसलिए नाराज है कि वो दलितों की ज्यादा बात करती हैं। तो लेकिन जब पार्टी बड़ी होती है, जब उनका विजन बड़ा होता है, तो मैं तो इसमें पॉजिटिविटी देखता हूं कि जब सर्वजन समाज की जब बात कर रही है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री के लायक वो बन गई है। क्योंकि जब देश का नेता होता है तो किसी एक समाज की बात नहीं करता, वो ना वो दलित की बात करता है, ना वो ब्राह्मण की बात करेगा, ना वो गरीब की बात तो करेगा, चूंकि जो मजलूम होते हैं उनकी बात तो करनी पड़ती है, चूंकि जो नीचे बैठा हुआ है उसको उठा करके बराबरी पे लाना होता है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती में ये गुण है कि वो नीचे वाले जो समाज है, नीचे वाला जो तबका है, उसको उठा करके ऊंचे लाना चाहती हैं, चूंकि वो नीचे से ऊपर उठी हैं, इसलिए वो नीचे वाले पूरे समाज को ऊपर उठाना चाहती हैं। अगर नीचे वाले समाज का विकास हो जाता है, तो मैं समझता हूँ ऊपर वाले समाज का तो पहले ही विकास हो चुका है। तो एक समाज का जो रिफ्लेक्शन है, नीचे समाज और ऊंचा समाज, दोनों समाज ऊंचा उधर वहीं पे बना रहे और नीचा वाला उठ जाए, तो एक बराबरी के स्तर की तरफ जाता है, और वो खाली किसी समाज के लिए नहीं, एक पूरे जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, राष्ट्र की समाज व्यवस्था है और राष्ट्र की सांस्कृतिक व्यवस्था है, इस तीनों को ही अप करना चाहती है। वो खाली अर्थव्यवस्था की बात नहीं करती, उसमें समाज भी समाया हुआ है, उसमें संस्कृति भी समाई हुई है, उसके अंदर जो अर्थव्यवस्था भी समाई हुई है। तो ये पूरे देश में जब इस तरह का माहौल बनेगा, तो ये पूरे विश्व के अंदर भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। हमें सोने की चिड़िया बनाने के लिए भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश का भी नाम रोशन करे और अपने समाज का भी नाम रोशन करे। आज जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसको उत्पीड़न रोकने के लिए बहन मायावती की जरूरत है। आप देखिए, जैसे इस समय 3 सशक्त महिलाएं देश के अंदर हैं, एक सोनिया गांधी जी हैं, दूसरी ममता बनर्जी जी हैं, तीसरी बहन जी हैं। तीनों सक्षम हैं, तीनों में से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तीनों के पास नंबर भी हैं, तीनों के पास संख्या भी है, बन सकते हैं। ये बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं, जैसा मैंने इस समय एनालिसिस किया है पूरे देश का, उस एनालिसिस के हिसाब से इस बार जो है किसी एक पार्टी की सरकार देश में नहीं बनेगी, सरकार अब की बात मिली जुली बनेगी, ऐसा जो है जो जनादेश है इस समय देश का आ रहा है। और जो आपने परिणाम देखे हैं अभी 3 हिंदी राज्यों के, आपने कर्नाटक का परिणाम देखा है, साउथ का स्टेट है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उसमें जो है मिली जुली सरकार आएगी, लेकिन मिली जुली सरकार के साथ साथ एक कमजोर सरकार आएगी, और जिसमें आपने देखा है कि कर्नाटक के अंदर बहुजन समाज पार्टी की भूमिका,
राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी की भूमिका, मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की भूमिका, तो आप ये बताइए कि देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की भूमिका क्यों नहीं होगी। और बहुजन समाज पार्टी की जब भूमिका होगी, आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं लोकसभा की, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। आज बड़े खुशी की बात है कि अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, अजीत सिंह जी जो अपने राष्ट्रीय जो लोकदल पार्टी है उसके लीडर हैं, वो आज बहन जी को खुद अंतर मन से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। चौटाला की पार्टी जो हरियाणा में है वो एक सशक्त पार्टी, 28% जाटों की जनसंख्या है, 26% शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है हरियाणा के अंदर। जब ये लोग मतलब बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उन्होंने अपने मंच से भी बोला था हरियाणा, बहन जी उस मंच पर नहीं थी लेकिन उन्होंने कहा हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसका मतलब खाली मन से नहीं बनाना चाहते, उनके जो नंबर हैं अपने स्टेट के, जो उनकी पार्टी है उसका सपोर्ट देना चाहते हैं। तो जब इस देश के अंदर जब नंबर आएंगे पहले, उसके बाद में ये डिसाइड होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें नहीं ले पाई और भाजपा भी 100 से ज्यादा सीटें नहीं ले पाई, दोनों 200 सीटों में सिमट जाएंगे। 300 सीट जो है, 300 से ऊपर सीट जो है अलग अलग जो स्टेट में दल हैं उनके आएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश जो है एक लीडिंग कैपेसिटी में होगा। आप बार बार इंटरव्यू देखते होंगे अखिलेश यादव जी का, वो कभी नाम नहीं लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री तो होगा लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा, इस बात को वो टाल जाते हैं। उनसे अभी पूछा गया था कि आप प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो बिल्कुल प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूं। उन्होंने सीधा सीधा, उनका आशय है कि मैं आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री तो जरूर बनना चाहूंगा, मुख्यमंत्री के सशक्त दावेदार हैं लेकिन प्रधानमंत्री के वो दावेदार नहीं है। अभी आपने देखा होगा जब स्टालिन ने कहा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, उसके बाद में लोगों ने कयास लगाए कि अखिलेश यादव जी और बहन जी, राजस्थान का जो ओथ हुआ और इसका मध्य प्रदेश का ओथ हुआ, दोनों में नहीं गए। लोगों ने कहा कि ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का नाम अभी से डिक्लियर हो, उसको अभी छुपा कर रखना चाहिए कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो इस चीज को छुपा कर रखना चाहते हैं, एक रणनीति का हिस्सा है। इससे ये पता लगता है कि जो छुपा हुआ जो नाम है अखिलेश जी के जहन में, क्योंकि वो एक मजबूत दावेदार है उत्तर प्रदेश के और वहां सभी लोग जानते हैं। अब ये आपने अमित शाह का इंटरव्यू सुना होगा, अमित शाह ने कहा था कि भाई हम उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसमें जरूर हार जाएंगे। तो उनका आशय क्या है कि उत्तर प्रदेश में तो जो गठबंधन है बहुत मजबूत गठबंधन है, जिसने उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें अपना संदेश दिया है, तो इसके हिसाब से जो बीजेपी है वो भी घबराई हुई है, इसलिए उन्होंने नया फॉर्मूला लेके आए हैं कि बहुजन समाज को तोड़ दो, इसमें ऐसा आरक्षण पॉलिसी दे दो कि आपस में लड़ाई हो जाए। तो ये जो फॉर्मूला लाया गया है आरक्षण का, दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा, ये जो संकेत है ये बहन जी को जो प्रधानमंत्री जो बनाए जाने का जो तैयारी चल रही है उसको रोकने का संदेश है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को नंबर ज्यादा मिले और कांग्रेस चाहती है बीजेपी को नंबर ज्यादा मिले, क्योंकि वो दोनों एक बड़े मतलब पूंजीपति वर्ग है, चाहे एक बड़ा यहाँ का तथाकथित जो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं जो चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहन जी उन लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं जो सत्ता में आज तक नहीं आए, सत्ता से दूर रखे जाते हैं, जो कमजोर वर्ग है मध्यम वर्ग है उसका रिप्रेजेंटेशन करती हैं, और वो सर्व समाज की बार बार बात करती हैं
वो कहती हैं कि भाई इसमें भी जो गरीब लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए इसका कारण है कि उनको उत्तर, आपने दक्षिण भारत में देखा, आपने खासतौर से मध्य प्रदेश का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में उनका जो वोट है वो अपर कास्ट में ज्यादा बढ़ा है, दलित में थोड़ा घटा है। लेकिन इस चीज को मैनेज तो करना पड़ेगा। खासतौर से मैं अपनी बात को यहाँ पे मजबूत करना चाहता हूँ कि दलितों में उनका जो रुझान घट रहा है, उस दलितों के रुझान को उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, छोटी पार्टियों से बात करनी पड़ेगी, और हमारे जो सामाजिक आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ वो भरपाई हो सकती है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लोगों का एक दर्द है, बहुत पुराना दर्द है, जब बाबू जगजीवन राम को जब पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे 1971 में, उस समय गैया बछड़ा की सरकार बनी थी, तो उस समय पूरे देश में उनका डिवीजन हो गया था, कांग्रेस का एक अलग बन गई थी, इंडिकेट सिंडिकेट दो कांग्रेस बन गई थी। तो उस समय कांग्रेस ने सहारा लिया बाबू जगजीवन राम का, तो पूरे देश के दलितों ने उनको सपोर्ट किया, और भारी बहुमत के साथ में इंदिरा गांधी जी उसमें सरकार में आई, और वो दूसरा वाला जो गुट था वो कमजोर पड़ गया। तो लोगों का ये अपेक्षा थी जब जगजीवन राम जी अध्यक्ष बनाए गए हैं तो बाबूजी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद में दोबारा उनको फिर मौका मिला जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1978 में, उस समय फिर लोगों ने कहा कि भाई बाबू जगजीवन राम इस समय प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, सबसे सीनियर लीडर है। उस समय कांग्रेस की जरूरत पड़ी सपोर्ट की, तो कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी को सपोर्ट किया, उस समय बाबू जगजीवन राम को सपोर्ट नहीं किया, तो दूसरा जो उनका अवसर था वो भी खो दिया। उसके बाद कांशीराम साहब ने जो अपना आंदोलन चलाया, तो उन्होंने कहा 1999 तक हमारा प्रधानमंत्री बहुजन समाज का बन जाएगा। 99 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं थी कि जो जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं तो किसी तरह से देश में एक दलित प्रधानमंत्री जरूर बनना चाहिए। तो कोई दलित राष्ट्रपति बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पहले भी राष्ट्रपति बने थे, केआर नारायण साहब, राष्ट्रपति तो कांग्रेस ने बना दिया और दलित राष्ट्रपति इसने बीजेपी ने भी बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? वो आरक्षण के ऊपर कांशीराम साहब बार बार कहते थे कि भाई आरक्षण तो तुम ले लो और सत्ता हमें दे दो और हम बाकी काम कर लेंगे, लेकिन वो सत्ता देने को तैयार नहीं होते। आरक्षण देने को तो तैयार है, कोई भी पार्टी आरक्षण दे देगी, जब हम ज्यादा आंदोलन चलाते हैं तो कहते हैं आरक्षण ले लो भैया तुम, सत्ता हमारे पास रहने दो। कांशीराम साहब कहते थे कि सत्ता हमें दे दो, आरक्षण तुम ले लो, उस पर तैयार नहीं होते थे। और आज वो समय आ गया है कि सत्ता हमें लेनी होगी और आरक्षण जो है उन्हें देना होगा, और ये इसलिए बहन जी के प्रधानमंत्री बनाने की इस समय बहुत जरूरत है। और पूरे देश के जो लोग हैं, खासतौर से मैं दलित समाज को भी संदेश देना चाहता हूँ, और बहन जी को भी ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने जो जो छोटे दल हैं जो उनके समाज के ही बना रखे हैं, उनको एक बार मतलब जो मौका दें बातचीत करने का, संवाद उनके साथ में करें। क्योंकि मैं समझता हूँ कुछ जैसे प्रभारी वगैरह हैं, ये लोग होते हैं अपने उनके स्वार्थ होते हैं, वो लोगों को बजाय मिलाने के काट देते हैं, लोगों को जोड़ते नहीं है, तोड़ते हैं, ये मैंने बहुत देखा है। इसलिए इसकी कमजोरी में एक बहुत बड़ा कारण ये प्रभारी लोग भी, उनको भड़का देते हैं। कोई आता है जुड़ने के लिए, कहते हैं अच्छा आ गए अब सरकार बनने वाली है, इसलिए वो जो आने वाला होता है वो भी वापस चला जाता है। तो इस तरह से टॉइंटिंग वाली जो प्रभारी लोग करते हैं, लोगों को जोड़ने की जगह तोड़ते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एक ऐसी गुप्त टीम बनाई जाए जो उसका ध्यान रखे कौन सा प्रभारी जो गलत काम कर रहा है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उससे बढ़िया आपको मिल जाएगा प्रभारी। तो ये इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ये डिसिप्लिन उनमें होना बहुत जरूरी है। चूंकि बाबा माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि जिस पार्टी के अंदर या जिस समाज के अंदर अनुशासन नहीं होता है वो कभी शासन नहीं कर पाती है। इसलिए अगर हम आज शासन करने के लिए जा रहे हैं, सत्ताधारी समाज बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपने लोगों के अंदर अनुशासन भी पैदा करना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, पार्टियों को जोड़ना पड़ेगा। आप देखिए बीजेपी है, बीजेपी ने एनडीए बना लिया, एनडीए बना के कितने दल हैं जो उसके विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनको भी साथ ले लेते हैं। तो हमारे जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं,
तो एनडीए आप नहीं बना रहे हैं कि बहुजनों का एक छोटा सा अलायंस बना करके चाहे उनको एक ही एक सीट दे दीजिए तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा। मैं समझता हूं अगर ऐसा हो जाता है बहुजन समाज का इंटरनल अलायंस हो जाता है तो बाद में आप चाहे चौटाला साहब से समझौता करें, चाहे आप अखिलेश साहब से समझौता करें, चाहे आप उनसे देवगौड़ा साहब से समझौता करें, और चाहे आप पूरे देश में किसी से भी कर सकते हैं, वहां आपका खुला है। मैं समझता हूं कि बहुत सारी उसमें पार्टियां हैं अलग अलग स्टेट में जो जहां पर जो ओबीसी और दलित को जो चलाती हैं, और उधर जैसे अभी चंद्रबाबू नायडू की उधर है, इनसे आप अलायंस कर सकते हैं। अलायंस करके चलो उनका वोट है उससे दो फायदे होंगे, एक तो समाज भी जुड़ेगा, बहुजन समाज उसका होगा, एक आइडियोलॉजी के लोग जुड़ेंगे एक साथ में, और दूसरा जो है हमारा जो जो लक्ष्य है वो भी मजबूत होगा और पार्टी भी मजबूत होगी। चूंकि पार्टी खाली वोट परसेंट की, हमें वोट परसेंट तो बहुत दिनों से बढ़ा रहे हैं लेकिन अब की बात सीटों को भी हम बढ़ाने का ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा हमारी सीटें कैसे आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं उसमें से कम हम 70 सीट ले सकते हैं दोनों मिलकर के, ये अपना समाजवादी पार्टी लोकदल और तीनों मतलब उसमें लेकर के, तो 70 सीट अकेले ले सकते हैं और बाकी जो दूसरे स्टेट से एक एक दो दो सीटें चाहे भले ही लें, अगर उधर से भी ले लेते हैं तो हम अगर 80 सीट भी अगर हम ले लेते हैं, और दूसरी चूंकि मैं समझता हूं कि सबसे पहला आदमी होगा अखिलेश यादव जी जो बहन जी को प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज करेंगे। मैं ये अपना फोरकास्टिंग कर रहा हूं आज, और उसमें प्रपोज करते ही चाहे बिहार से हो, चाहे मतलब हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, सब लोग करेंगे, और कांग्रेस भी कंपटीशन में आ जाएगी, कांग्रेस भी कहेगी हम भी समर्थन करते हैं, और ये बड़ा ताज्जुब होगा उस समय, बीजेपी भी कहेगी कि हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि हमने देखा था 1995 में जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तो उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियों ने उनका समर्थन किया था। तो वो समय आने वाला है जो जगजीवन राम को जब प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था, आज वो सारी पार्टियां, जब बहन जी का नंबर आएगा मजबूत सरकार जरूर बनेगी लेकिन जब प्रधानमंत्री आएगी तो सारी पार्टियां कहेंगी भाई हम जो है मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसा मेरा जो है मानना है। तो साहब आपने बहुत अच्छे से बताया कि जीत सिर्फ आपके दिल पे दिमाग से फर्क पड़ता है कि आप मान लें तो जीत है, ठान लें तो हार है, ये दोनों चीजें होती हैं। जीत आपकी डिपेंड करता है कि आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। खैर 2019 के इलेक्शन नजदीक है और देखते हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हमारे टीवी चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, SM न्यूज चैनल के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से वो इस देश में काम कर रहे हैं और पूरे बहुजन समाज को जो संदेश जाना चाहिए वो SM न्यूज चैनल के माध्यम से जा रहा है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे बहुजन समाज के लोग और जो हमारे नेता लोग हैं वो SM न्यूज चैनल को सहयोग करेंगे।